हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने गांव के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उससे रूबरू कराना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ कि उसका क्या हालात है। ठीक है, ये अब ये जो दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री दिया गया है और बाउंड्री के साइड में आप देख रहे हैं कि ये पतला सा रोड है जिससे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, और ये हालात आज से नहीं है और काफ़ी समय से है। बरसात जब होता है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा पौंड है, तालाब है जो पानी से भर जाता है और भरने के बाद से, वो तो बात अलग है कि भरने के बाद से देखिए इसका हाल, इसका जो हाल है ये कुछ ऐसा रहता है। कहाँ से आ रहे हो? नदी से आ रहे? इधर से आते जाते हो ना? कभी डर लगता है इस बरसात के दिन में? देखिए डर लगता है। तो ये हाल है। ठीक है, और मैं यहाँ से मैं चल रहा हूँ और वहाँ पर देखिए एक वहाँ मेरा कैमरा मैन है, उसी में है। देखिए वो इतना बदमाश हो गया है कि वो पता नहीं रातों रात घूमता है, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक, और मैं आ रहा हूँ। देखिए ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये नदी से आ रहे हैं सब। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ से हम आ गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो है उसका स्कूल का गेट पड़ता है और यहाँ पे देखिए गड्ढा खोना गया है। यहाँ पे नींव वगैरह चल रहा था, जो क्या कहते हैं, जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उनके लिए गड्ढा खोना, उनके लिए ये लैट्रिन बन रहा है। ठीक है, और ये इसका टंकी है। आइए, काफ़ी एक महीनों से, कितने दिन से ये खुदा गया गड्ढा? डेढ़ महीना हो गया है। अब देखिए इन सब का कहना है कि डेढ़ महीना से ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये नेव जो है जो प्रधान के द्वारा इसको खोदा गया है, इसको निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन डेढ़ महीना से ऐसे है। ठीक, और ये हालात है। ठीक है, अब चलिए डायरेक्टली ये हालात, यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहाँ से देखिए ये, देखिए यहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता ही है कि ये, मैं भी बता दूं कि ये मेरा बचपन का ये मेरा स्कूल है, मैं भी यहीं से पाँचवीं तक का पढ़ाई किया हूँ। ठीक, उसके बाद से मैं आगे फिर गवर्नमेंट से पढ़ाई किया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई किया हूँ। ठीक, तो जो छोटे छोटे बच्चों का जाने का जो रास्ता है ये ऐसा है। ठीक, अभी बच्चे आए नहीं हैं सब, यहाँ पर जो सफाई करने वाली जो महिलाएँ हैं वो अपना सफाई कर रही हैं, देख रहे हैं झाड़ू चला रही हैं। ठीक, और ये गेट है और ये रास्ता है। ठीक, तो प्रधान का मतलब ये है कि प्रधान अभी एक डेढ़ महीने से इसे लगा कर छोड़ रखा है, प्रधान को तो मतलब है नहीं। यहाँ के टीचर लोग काफ़ी बार प्रयास किए कि भाई जल्दी काम करा दो, बच्चे इस गड्ढे में गिर जाएंगे, किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कॉलेज यहाँ के टीचर लोग होंगे, लेकिन प्रधान को इसका कोई मतलब एक पैसा भी फायदा, मतलब उस पर प्रभाव ही नहीं, फायदे की बात नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ता है, चाहे गिरे कोई, चाहे पैर टूटे, चाहे हाथ टूटे, ऐसा हालात है। ठीक है, जर्जर हालात को देख लीजिए, कोई कैसे इसमें आएंगे, सब बच्चे कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? और ये उन बच्चों के लिए बन रहा है ये लाइटिंग, काफ़ी महीनों से बन रहा है, पूरा भी नहीं हुआ, जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उनके लिए ये बन रहा है। ठीक है, ये सिर्फ बन के छोड़ दिया गया है ना, आगे पीछे बाउंड्री आप देख सकते हैं, बाउंड्री चारों तरफ का टूटा हुआ है, लगभग डेढ़ महीने से ऐसी जर्जर हालात हमारे गांव का कॉलेज स्कूल का है, सरकारी स्कूल का। ठीक, और यहां पे गांधी जी का सपना भी था, देखिए हम दिखा रहे हैं, गांधी जी का सपना था कि गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत को अपना, और यहाँ पर स्वच्छता की कहीं कोई ठिकाना नहीं है, सब जगह आपको कंकड़ दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे जो मद्यपान भोजन की योजनाएँ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और यही बस तीन रूम है जिसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे जो यहाँ पे जिला अधिकारी जो अधिकारीगण का है नाम, उसके बाद से यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग का है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय परिवार जो है, इसमें जो श्री मनोज कुमार राय जी हैं वो हमारे भी अध्यापक रह चुके हैं, जो ऊपर वाले लाइन में देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये सभी लोग जो हैं, ये चार टीचर हैं यहाँ पे, राणा प्रताप पांडे शिक्षा मित्र से आते हैं, कुआ और कुंवर अजीत सिंह सहायक अध्यापक है, श्री ओमनाथ मिश्रा ये भी सहायक अध्यापक है। ठीक, और चलिए मैं यहाँ से तीन बच्चे सबसे पहले आए हैं। ठीक, तो चलिए कहाँ किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो ना? पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। पढ़ाई अच्छा होता है? पढ़ाई अच्छा होता तो ये बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है, प्लीज बोलो। हाँ,
अभी बोले हो ना, क्या बोले हो? थ्री, अभी बोले वही बोलो। श्री नरेंद्र मोदी। कौन बताया ये चीज आपको? कौन बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं? सर बताए हैं कि आपको खुद से सुने हो कहीं? अच्छा, खुद से सुना हुआ है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री। इसीलिए तो बात है कि बच्चे बच्चे के जुबान पे प्रधानमंत्री का नाम रहता है। ठीक, कौन से क्लास के हो तुम? फोर्थ क्लास के हो। फोर्थ का इंग्लिश में बताओ तो वर्ड मीनिंग। हाँ, देखिए बच्चे हैं थोड़ा। हाँ बताओ बाबू, बता दो तो बाबू। एफ ओ यू आर। अच्छा, अब यहाँ पे फोर का वर्ड मीनिंग बताओ। एफ ओ यू आर। ये बच्चे हैं यहाँ के, देखिए कितने अच्छे हैं, यानी पढ़ाई की यहाँ पे एक पैसे कमी नहीं है। कमी सिर्फ क्या है, यहाँ की व्यवस्था की है, जो प्रधान ने व्यवस्था को डगमगा के रख दिया है, जो सबसे ज़्यादा कालाबाजारी का काम यहाँ पे होता है। ठीक, यहाँ पे जो नेव खुदा हुआ है, आते तो डर लगता है। हाँ सर जी, डर लगता है। तो फिर कभी सर से बोलते हो कि सर जी उसका बाउंड्री चलवा दीजिए, या हम लोग के लिए गेट बनवा दीजिए, उसको जो मिट्टी खोदा गया उसको भरवा दीजिए, बोलते हो सर से? नहीं बोलते, लेकिन डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? गिर जाओगे, यही ना। हाँ, गिर जाएंगे सर तो चोट लगेगा। तो ये देखिए, तो हम लोग भी बहुत बार हमारे यहाँ के प्रधान से चर्चा किया है, इसलिए चर्चा किया है कि आप जो भी बजट आती है सरकार की तरफ से, जिस कार्य के लिए बजट आ रहा है, तो उसका कम से कम आप उसका सदुपयोग कीजिए कि हमारे गांव का विकास हो। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये रसोई कक्ष है। ठीक, यहाँ पे बच्चों के लिए भोजन बनता है उस रूम में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, ये रसोई घर है। और प्रधान जो है उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बच्चे यहाँ इस गड्ढे में गिरे मरें या उनका पैर टूटे, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का उन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ क्या चल रहा है, तो कालाबाजारी चल रहा है। कालाबाजारी का सिवा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे भी कुछ ईंट रखा गया है। तो कालाबाजारी में कभी हमारे यहाँ के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है, वो भी यही बोलते हैं कि कुछ बजट मेरे खाते में है। ठीक, यानी दो साल से जो यहाँ के सचिव हैं वो लगभग 4 से 5 लाख रुपया अपने खाते में रखे हैं, लेकिन उसका कहीं भी उपयोग नहीं किए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने प्रधान से भी पूछा, इस पर चर्चा किया। प्रधान अलग से कहता है कि नहीं नहीं, और पैसा जो है ग्राम सभा को मेरे खाते में है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक कहीं नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्या, कि आपको लगता होगा कि मैं अपने गाँव की बेइज्जती करा रहा हूँ? तो नहीं, मैं आपके मेरे गांव की जो कमियां उसको दिखा रहा हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सबको दिखे कि मेरे ग्राम सभा का जो ज्ञान का मंदिर है, उसका हाल क्या बना रखे हैं यहाँ के प्रधान। यहाँ के जो अध्यापक बहुत काफ़ी परेशान है, उनसे बहुत बार बोला गया, देख सकते हैं कैसे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। आप खुद आप लोग इस पर देख सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी इस पर जरूर राय दीजिए, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए कि हम लोग हमारे हमारे गांव के नौजवान जो हैं उस पर तत्पर होकर इस कार्य को प्रधान के द्वारा करा दिया जाए, कि यहां पे बच्चे का जो भविष्य उज्जवल के लिए जो वर्क काम चलता है, जो शिक्षा का काम चलता है, वो निरंतर बना रहे और सभी बच्चे सुरक्षित रहे। ठीक, और इसके अलावा मैं अपने गाँव का भी आपको रुख कराऊँगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ये हमारे गांव का कंडीशन देख लीजिए, वहाँ पे देखिए बच्चे कैसे आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, देखिए आ रहे हैं सब। अब देखिए कैसे, देखिए छोटा बच्चा है, पैर वो एक पैर उधर डाल रहा है, फिर एक पैर फिर फेंक रहा है, मतलब कूद के जा रहे हैं सब। देखिए कितने, दो अढ़ाई अढ़ाई साल के बच्चे हैं सब, इससे ज़्यादा वो नहीं है सब, दो अढ़ाई साल के बच्चे हैं। कैसे काम चलेगा, इतना कालाबाजारी होगा तो आखिर कब तक कालाबाजारी होगा, कब तक दुनिया देखेगी? तो ये हमारे ग्राम सभा का हाल है, यानी प्राथमिक विद्यालय का हाल है। ठीक, ये विकास खंड भटनी में है। ठीक, ये और जनपद देवरिया हमारा पड़ता है, ग्राम सभा टेघरा है, देख लीजिए ये हाल है। ये हाल नहीं, ये हाल बेहाल है।